देन गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे ओप्पो A5F के डिवाइस में एंड्रॉइड 9 पाई का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा एंड साथ ही साथ बात करेंगे ओप्पो A5F के न्यू अपडेट A.41 के बारे में। देन फ्रेंड्स ओप्पो A5F के डिवाइस में एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है ओप्पो की तरफ से जिसका वर्जन CPH1909EX_11_A.41 है। बट वहीं पे बात करें इसके 5G के बारे में तो 5G इसके यहाँ पे 2.32GB फो कर रही है बट इसकी एक मैनुअल 5G यहाँ पे फो कर रही है। एंड बात करें वहीं पे OTA अपडेट वाली 5G के बारे में तो भाई OTA अपडेट की 5G यहाँ पे प्रॉक्स आपको 100 या 150 MB के आसपास में देखने को मिल जाएगी। बट बात करें ओप्पो A5F के अपडेट के बारे में तो भाई ओप्पो A5F के डिवाइस में A.41 का जो अपडेट रोल आउट किया जा रहा है वो भी 4% रोल आउट नहीं हो पाया है। बट बात करें भाई आपने फोन को A.41 के लेटेस्ट अपडेट में कैसे अपडेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको अपने फोन को मैनुअल से अपडेट करना होगा, मैनुअली अपडेट करना होगा। तो इसके लिए आपको अपने फोन के किसी भी एक ब्राउजर में चले जाना है, चाहे वो क्रोम ब्राउजर हो या फिर ओप्पो का ब्राउजर हो। तो आपको अपने फ़ोन के ब्राउजर में चले जाना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओप्पो सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड। तो यहाँ पे आप करेंगे टैप, टैप करने के बाद जो पेज यहाँ पे लोड होगा तो आपको इसको थोड़ा सा करना है वेट। वेट करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी फ्रिज के फ़ोन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आपका फ़ोन है ए फ्रिज में, तो ए फ्रिज में आपको करना है टैप। टैप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ पे ओप्पो A5F देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे हमारे फ़ोन में अभी टैप हो गया ओप्पो A9 का स्मार्टफोन। हम यहाँ पे फिर से करते हैं ओप्पो A5F पे टैप। ओप्पो A5F पे टैप करने के बाद आपका फ़ोन यहाँ पे ओप्पो A5F का लेटेस्ट वर्जन CPH1909_11_A.41 यहाँ पे शो कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर बात करें इसकी 5G के बारे में तो भाई वही 5G यहाँ पे आपको 2.3GB के आसपास में देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे अपडेट डेट यहाँ पे शो कर रहा है 15/10/2020, मतलब इसी महीने में यहाँ पे ये अपडेट अवेलेबल कराया गया है। तो भाई अगर आपका फ़ोन A.41 के लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड नहीं है तो आप अपने फ़ोन में A.41 का अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना होगा डाउनलोड पे टैप। डाउनलोड पे जब आप करेंगे टैप तो यहाँ पे आपके फ़ोन में एक पॉपअप फो होगा जो कि यहाँ पे आपको फो होगा 2.3GB का ये 5G अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। भाई डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फ़ोन को करना होगा स्विच ऑफ, क्योंकि आपको अपने फ़ोन को करना है मैनुअली अपडेट। मैनुअली अपडेट करने का जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, फोन को करना होगा स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद आपने फोन का पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन फॉर वॉल्यूम डाउन बटन आपको एक साथ में प्रेस करना है। देन पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ प्रेस करने के बाद आपका फोन रिकवरी मोड में चला जाएगा। एंड वहां पे आपको फर्स्ट नंबर पे फो होगा फ्रॉम फोन स्टोरेज, एंड वहां पे आपको चले जाना है। एंड जाने के बाद आपकी फ़ोन में जहां भी आपकी फाइल डाउनलोड हुई है वहां पे आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको अपने फ़ोन में जो भी फाइल डाउनलोड हुई है उस पर आपको करना है टैप। टैप करने के बाद भाई आपके फ़ोन में एक पॉपअप फो होगा जहाँ पे आपकी फ़ोन में फो होगा अपग्रेड ना हो तो वहाँ पे आपने फ़ोन को सिंपल से अपग्रेड कर सकते हैं, मैंने अपडेट कर सकते हैं A.41 के लेटेस्ट अपडेट में। एंड वहीं पे बात करें भाई कलर इफेक्ट के अपडेट के बारे में, एंड्रॉइड 9 पाई के सपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों ओप्पो की तरफ अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। भाई ओप्पो A5F के डिवाइस में हम एंड्रॉइड 9 पाई का अपडेट इस तारीख को प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे लेक फैंड रूमर के हिसाब से माने तो वहाँ पे बताया जा रहा था भाई ओप्पो A5F के डिवाइस में कलर इफेक्ट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे कोई ऐसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिली है कि ओप्पो A5F के डिवाइस में भी एंड्रॉइड 9 पाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट ओप्पो की तरफ ऐसी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो मैं आपके पास जरूर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इसी चैनल के थ्रू। देन फ्रेंड दैट्स इट, एंड यार बहुत सारा थैंक्स। आशा करता हूँ भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट की न्यूज सबसे पहले देखने को मिलते रहते हैं।